Pandit Bhimsen Joshi, on any measure, one of India's greatest Hindustani classical music exponents of all time, once described my guest as the future of Hindustani classical music. That future is very much here, and Bhimsen Joshi's words ring resoundingly accurate in the sonorous voice and mastery of Ustad Rashid Khan. Born in Badayun, Uttar Pradesh, Rashid Khan has been singing since the age of 11. At a relatively young age of 53, he has been sharpening his command over his genre of classical music for over four decades now. Celebrated as someone not shy of experimenting with the classical forms, Khan is also known for keeping up with the changing times. He has occasionally sung movie songs, all of which have been received with great enthusiasm. His website describes him as the 31st in the direct line to Tansen, considered the supreme master of Hindustani classical singing who lived in the 16th century. Ustad Rashid Khan spoke to Mayank Chaya Reports. मैं कल सुन रहा था आप रागेश्री गा रहे थे एक शो में. जी जी जी. तब मुझे ये फिर महसूस हुआ कि आपकी आवाज जो है जैसे आपके जमीर से उभरती हुई हमारे पास पहुंचती है. जी. आप जब गाते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए, मेरे जहन में क्या है कि शुरू से मेरा एक लगाव है दिली. शुरू को मैं प्यार करता हूँ जी, और शुरू को एक इज्जत सम्मान देके डरता हूँ कि अल्लाह ताला कहीं गलत कोई सुर ना लग जाए, मुझसे भूल ना हो जाए, और उसको लेके अल्लाह ताला के ऊपर मेरा बहुत भरोसा है. उनके दुआओं से मैं गाता हूँ. वो एक रूदारी वाला जो मामला है वो तो अल्लाह ताला बुजुर्गों की दुआएं हैं, इसकी वजह से आज मुझे ये जगह मिली है. ये मेरे बुजुर्गों का, उनकी जूतियों का सदका है जी. आपने अक्सर कहा है कि बंदिश में रहना आपकी फितरत नहीं है. आप बताएं, ऐसा क्या बचपन से है या ये जब आप जवान होते गए तब ये बात हुई? नहीं, ये बचपन से मेरा ऐसा है कि मैं कोई बंदिश में रहना नहीं चाहता था जी, और संगीत में डूबा रहता था मैं. हाँ, संगीत के बाहर कोई काम नहीं करता था मैं. हाँ जी. शास्त्रीय संगीत और दूसरे अलग तरह के संगीत के बीच जो दूरी या दीवार है वो क्या होनी चाहिए? और आखिर इतना भी पाक या पवित्र होना भी तो ठीक नहीं है किसी के लिए. पाक पवित्र दोनों ही हैं. एक चीज मैं आपको बोलूं, आप जिस बारे में आप बोलना चाह रहे हैं, लाइट म्यूजिक, मैंने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को सुना है. नुसरत चचा की बात कर रहे हैं, मेहंदी हसन साहब की बात करते थे, तो वो भी क्लासिकल को लेके ही चलते थे, और उन्होंने एक उसमें जो एक मिठास पैदा की थी, वही चीज मैंने वो क्लासिकल को लेकर उसमें क्लासिकल में मिठास पैदा की जी. और उसी की वजह से आज अल्लाह का करम है, मुझे लोग प्यार करते हैं, जो सम्मान देते हैं. ये मेरा इसमें योगदान यही है, वो योगदान मुझसे अल्लाह ताला ने करवाया जी. आप मिठास का जिक्र कर रहे हैं, ये मिठास जो है क्या उसको लानी पड़ती है या पैदाइशी आपकी आवाज में है या आपकी तैयारी में है? ये तो अल्लाह मियाँ का करम है मेरे पास. तो मैंने इसके पहले भी आपको कहा, ये मिठास को कुछ चीज़ों को ऐसा है, कॉम्बिनेशनों को कुछ मिलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है. आप बिरयानी बनाएंगे तो मसाले टेस्ट के लिए तो मसाले जो होंगे जी, तो वो मिलाना पड़ेंगे ना मसालों को. अब ये मेरा प्रिपरेशन है, और ये क्या बोलूँ मैं इसको, ये मेरा बनाया हुआ कुछ कुछ मसाले हैं जी. जी, लेकिन मैंने देखा आपके मसाले बदलते रहते हैं. हाँ, वो बदलता रहता हूँ मैं, इसीलिए अलग अलग टेस्ट मिलता है दुनिया वालों को. मैंने देखा एक ही, अगर एक ही गाय की एक ही गीत ले लीजिए कोई भी आपका जी, वो हमेशा अलग अलग होता है दोनों माहौल में.
तो ये क्या कोशिश है या अपने आप आदत, ये कैसे हो जाता है? देखिए ये एक सोच है, अगर हम सोच हर चीज को, एक एक चीज को सोचे, आज मैंने ये किया कल मैं वो करूंगा, जी ये ऐसे भी नहीं होता है। स्टेज पे जब बैठते हैं हम लोग तो उस वक्त अपना दिल दिमाग का जो एक काम होता है, वो दिल बोलता है, दिमाग बोलता है ये करो, दिल बोलता है ये भी करो, तो ये सारी चीजें हैं। तो वो वही अल्लाह ताला जो है वो पकाता रहता है जी दिमाग में ये सब चीजें, ये रूदारी वाली चीजें, हाँ ये जगह बहुत अच्छी लग रही, अच्छा इसको करके देख ले। जी सारी चीजें सब ऐसे ही है, ऊपर वाले की कृपा है, अल्लाह ताला करम है कि वो चीज उस वक्त दिमाग में दिल में वो डालते हैं और उसको पूरा करवाते हैं वो। मैं तो कोशिश करता हूँ जी जी। दिल दिल और दिमाग के बीच में अक्सर कौन जीतता है आपके लिए? दोनों दोनों जीत जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जी जी विलंबित ख्याल आपकी खासियत रही है जी, हमें आप कुछ उसके बारे में बताइए, विशेषकर ये कि उस्ताद आमिर खान और पंडित भीमसेन जोशी का आप पर किस कदर असर रहा है? मेरा देखिए सभी का असर रहा, आमिर खान साहब बोलिए, मेरे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब मेरे, मैं हर तरह की गायकी मैंने सुनी है बचपने में, हर घरानों की गायकी मैंने सुनी है, तो जिसमें से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिया और उसको मैंने अपनी गायकी को बनाने की कोशिश की, जो मेरा अपनापन होना चाहिए। मैं सिर्फ, मेरे सारे बुजुर्ग हैं उन्हीं का जूतियों का सत्ता है, लेकिन मैंने एक ही चीज सोचा कि मुझे लोग बोलेंगे अरे आप तो फलाने की गायकी गा रहे हैं, जबकि बुजुर्ग हैं उन्हीं के गायकी गा रहे हैं, उन्हीं से सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसमें मेरा कुछ अपनापन भी होना चाहिए। जी जी मैं यही कहना चाहता हूँ जी। आपने अपने बचपन का थोड़ा अभी जिक्र किया, 11 साल की उम्र से आप गाते आ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, करीब करीब 44 साल हो गए आपको गाते हुए। जी ये बड़ा लंबा अरसा है, आपको उन दिनों की कुछ बातें याद है? आप जब पहली बार स्टेज पे 11 साल का उम्र का लड़का जाता है तो क्या आपके जहन में था? जी मेरा सबसे पहले तो एक ही चीज हुई थी कि रविशंकर जी उस स्टेज पे बजाएंगे और मैं पहले गाऊंगा। अच्छा, तो ये मेरे लिए शुरुआत जो ऐसी थी कि बहुत जबरदस्त, कि एक इतने महान कलाकार पहले मैं गा रहा हूँ, एक बच्चा, वो सारी दुनिया सुनने वाले, इतनी भीड़ भाड़, जबकि उनकी वजह से होगी, उनकी वजह से सब भाई पंडित रविशंकर जी को सुनने आए थे, तो उसमें मुझे भी थोड़ा दिखने को मिल गया उनकी वजह से, तो ये मेरे लिए एक लोगों में एक जाने का मुझे रास्ता मिला और बहुत लोगों ने सराहा वो प्रोग्राम में मुझे, तो ऐसा हुआ। रविशंकर जी भी मुझे सुनने बचपने में आते थे। अच्छा जी, और विलायत खान साहब, अली अकबर चचा, भीमसेन जी, जसराज जी और निखिल बनर्जी काका, तो सारे सारे उस्तादों ने मुझे सुना, जैसे और भी गुणीजन लोग, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला उन लोगों से मुझे। जी इतने बड़े दिग्गजों के बीच में आपका बड़ा होना, ये कुछ अजीब ब्लेसिंग है आपके लिए। वही दुआ है, मैं इसके पहले भी बोला आपको, सब बुजुर्गों की दुआ है मेरे ऊपर, और जहां तक मैंने कोशिश करी कि सबका प्यार जो मुझे मुझे मिला उन लोगों से, मुझे सीखने के लिए बहुत, देख के सीख के, उन लोगों को देख देख के मैंने जो सीखा, सबसे बड़ी बात तो ये चीज है। जी आपने, जी सॉरी बताइए, आप कह रहे थे कुछ? हाँ, ये मेरा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे, मेरे लिए हुआ ये। जी आपने जब शुरू किया था और आज जब आप, आज का दौर है, रफ्तार में बहुत फर्क आ गया है, आज का जमाना बड़ा तेज हो गया है। बिल्कुल, तो एक आपके जैसे मकबूल शास्त्रीय संगीत गायक के लिए इस रफ्तार, ये रफ्तार कैसे असर करता है और आप कैसे उससे निपटते हैं? बहुत अच्छी तरह से निपटता हूँ मैं जी। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। घूमना, सफर करना और स्टेज पे आना, तो ये मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है इसमें, ये मुझे बहुत खूबसूरत मेरी चीज है, ये मेरा काम है जी, और इसमें मुझे मजा आता है और वो सारी चीजें दिखती हैं। मैं अगर रास्ते में कहीं निकल रहा हूँ, कोई अच्छी चीज दिख गई फला, अगर ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी को मैं अपने गाने में मैं लेता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज, तो मजा आता है, इस चीज का मजा लेना चाहिए और उसको गाने में लाना चाहिए वो मजे को। जी
इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय करना चाहिए जी। जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है जो पुराने जमाने के शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे वो थोड़ा आम लोगों से थोड़ी दूरी पे रहते थे, आपका जो रवैया है वो कुछ अलग से है, आप लोगों में मिल जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं उनसे भी काफी लेते हैं और अपनी गायकी में डालते हैं, राइट। तो ये अपने आप किया या किसी की सीख से किया, ये आपके नेचुरल है? नहीं, ये मेरा नेचुरल है कि मैं आम लोगों में घुसूं जी, तो सबको एक अच्छी, इसकी जो एक मैं क्या बोलूं, इसका जो मैसेज है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो मुझे सुनने वाले आते हैं उन्हीं की वजह से तो मैं हूँ। नहीं तो बहुत से बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बहुत अच्छे गाए, मैं भी बहुत अच्छा गाया, अगर वो लोग अगर नहीं सुनते मुझे तो मैं कहाँ अच्छा रहा। जी उनकी बदौलत जो मुझे सुनते, जिन्होंने मुझे प्यार दिया जी, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। तो उनमें अगर नहीं घुसूंगा मैं, उनको प्यार नहीं दूंगा तो फिर किसको दूंगा, ये चीज है। जी जी जी, ये शायद यही वजह है कि आप इतनी इतनी लेवल का क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं फिर भी आम लोगों में ये बात पहुंच जाती है, शायद यही वजह है कि आप उनमें मिल गए हैं। जी जी, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान में आप जाओ, उनसे मिलो और उनकी दुआ लो, दुआ लेने चाहिए जी। तो सबकी दुआओं से आज मैं आपके सामने हूँ जी, मैंने ये भी पढ़ा है कि रियाज से आपका इतना लगाव नहीं है, ये इसकी वजह क्या है? ये वजह ये है कि कुदरती हुनर आपका इतना बड़ा पुख्ता है कि आपको शायद रियाज से इतना लगाव नहीं है। एक टाइम था, अच्छा। एक टाइम था कि मैं बहुत कम रियाज करता था, भागता भी इधर उधर, खेलने कूदने में इसमें ज्यादा ध्यान रहता था। लेकिन मैंने इसके पहले बात कही आपसे कि गाना मेरे दिल दिमाग में, सारी बॉडी में गाना एक गूंजता जी, वो चीज जो थी वही हर वक्त मेरा दिमाग में जो चलता था कि रास्ते में भी जा रहा हूँ तो एक पलटा मारता वही जा रहा हूँ, तो वो मेरा एक रियाज में, वो भी एक रियाज हो गया था मेरा। जी जी, अब ऐसा नहीं कि रियाज के बिना, रियाज तो करना पड़ेगा, वो एक चीज है, अभी भी करता हूँ मैं रियाज। अब मेरा क्या हो गया, स्टेज पे ज्यादा रियाज हो जाता था, स्टेज इतने प्रोग्राम कॉन्सर्ट होते हैं तो उसमें मार खेस्तान ये वो दुनिया भर का सब जी, उसका एक अलग मजा, तो उसमें मैं अपना एक अच्छा, तरीका बना लेता, इससे भी अपना रियाज करो भाई, रोज ही अगर प्रोग्राम करने तो ये भी एक रियाज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना था। जिस तरह से आप बता रहे हैं मुझे लगता है आपने कभी रियाज बंद ही नहीं किया। नहीं, रियाज हमेशा चालू रहता है। जी, जी, रियाज ये जरूरी नहीं कि बैठ के ही रियाज होगा, ये मैं आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट है, रियाज बैठ के ही होगा कि तानपुरा लेके ही रियाज होगा कि हाँ घड़ी देख के 2 घंटे रियाज करना है। जी, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को मानता हूँ कि रियाज हमेशा दिल में है, हमेशा रियाज हो रहा है, खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, सपने आ रहे हैं, ख्वाबे आ रही है, उसमें भी रियाज हो रहा है। जी जी, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ। यानी संगीत ने आपको पकड़ के रखा है। संगीत ने मुझे पकड़ लिया, संगीत को मैंने पकड़ लिया। अच्छा, आपकी गायकी में आपने काफी प्रयोग किए हैं, आप उसके लिए काफी मशहूर हैं जी, तो इसकी वजह से क्या कभी आपको जो पुराने सोच के शास्त्रीय संगीत के गायक हैं उनसे कभी आलोचना का सामना करना पड़ा? ऐसा एक चीज है क्या, पहले तो होता था कि भाई जब बुजुर्ग लोग बोले अरे यार ये राग में ये सुर गलत लग गया उससे, ये चीज ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता, ये वैसी होती बहुत बढ़िया होता, तो ये तो खैर संगीत में आलोचना जो है वो तो चलती रहती है, वो होना भी जरूरी है मेरे ख्याल से जी, क्योंकि अगर नहीं होगा तो सीखने को भी नहीं मिलेगा भाई क्या ठीक है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो तो देखना है जी, ये तो संगीत का एक पार्ट है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मैं कभी घबराता नहीं था, मैं अपना काम करता था हमेशा। अच्छा, पंडित भीमसेन जोशी ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के भविष्य आप जी हैं। तो ये दौर अब आ चुका है, आपको क्या, अब जब उनके बारे में सोचते हैं तो क्या महसूस करते हैं आप? ये मुझे वो आशीर्वाद दुआ देके गए, अब वो जिम्मेदारी मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे बुजुर्ग थे, मेरे घराने से भी थे, और तो वो जिम्मेदारी एक ऐसी देगा कि हमारे देश के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने देश का हमेशा
एक संगीत हमेशा रख पाऊं, जी इस चीज को, इस धरोहर को आगे बढ़ा पाऊं, मैं कोशिश मेरी यही रहती है। मैं इसलिए अपने बेटे को भी, अरमान को भी मैं सिखाता अच्छा हूँ, तो उसको भी एक ही चीज में कोशिश करता हूँ ताकि वो भी रियाज करके एक अच्छी जगह पे पहुंचे और संगीत को लेके वो चले। मेरे और भी शागिर्द लोग भी हैं, वो लोग जी, भी काफी कुछ कर रहे हैं। थोड़ा अलग सा सवाल मैं करना चाहूंगा खान साहब, जी थोड़ा टेक्निकल सा सवाल है। जरूर। किसी भी महान गायक या किसी भी गायक को गाने के लिए सांस पे काबू पाना बड़ा जरूरी है, तो आप क्या सांस के लिए किसी तरह का योगा वगैरह कुछ एक्सरसाइज करते हैं या अपने आप ही ये हो रहा है? ये चीज आपने अच्छी पूछी है सांस के लिए, क्योंकि एक इंसान, एक आर्टिस्ट की जब आस्ते आस्ते उम्र होती, तो योगा करके सांस को बढ़ाया जाए, रियाज, सुर भर के रियाज करके उस जी सांस को बढ़ाया जाता है। तो जी ये अच्छा प्रश्न है आपका। नहीं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जैसे मैं कह रहा था, आपका रागेश्री सुन रहा था मैं, जी, बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि आपको किसी भी तरह की जहमत है उसमें। ये जैसे ये अल्लाह का करम है, मेरा नहीं इसमें कुछ नहीं है। नहीं अल्लाह का करम तो है, लेकिन आपकी भी तो कुछ हुनर है उसमें ना खान साहब। हाँ, वो खैर मैं अपने इस पर लगा रहता हूँ कि सुर, बच्चे को सुर भरवाता हूँ, तो मेरा भी उसमें रियाज हो जाता है सांस अच्छा वास का, तो ये जी, भी एक चीज है। तो अरमान मियाँ रियाज करते हैं, तो उनके साथ मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो और अच्छा है। हाँ, और दूसरा ये महसूस होता है कि जैसे आपकी आवाज और जिस्म के बीच में जैसे कोई कनेक्शन नहीं रहा, जैसे आवाज ही है, जिस्म कहीं है नहीं। ये मुझे अक्सर महसूस होता है कि ये खान साहब सिर्फ आवाज है या जिस्म भी है। नहीं, ये सब करम है सबका, अल्लाह का जी, करम है, दुआएं हैं सब बुजुर्गों की, कि या उन्होंने एक ऐसी मुझे तालीम दी कि बेटा इसको ऐसे करो ऐसे करो, सही रहेगा। क्योंकि जी तालीम में क्या होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि गलत नहीं होनी चाहिए। वॉइस कल्चर जो है, वॉइस को फेंकने का तरीका, कहाँ वॉइस को कम करना है, कहाँ बढ़ाना है, तो ये सब चीजें बुजुर्गों ने सिखाई जो है, तो जी इससे बहुत ही अच्छा मुझे सीखने को मिला। जी क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद फिल्मों में आपको थोड़ा ज्यादा करने चाहिए था बनिस्बत शास्त्रीय में? शास्त्रीय में तो आप महारत हैं आपको हासिल, लेकिन 2004 से आज तक कुछ मैं देख रहा था आपकी साइट पे, वेबसाइट पे कुछ जी 15-18 गाने जो का सबके सब हिट हैं वो जी आपने गाए, तो आपने कभी सोचा कि कुछ ज्यादा फिल्मों में किया जाए? मैं ऐसा सोचता नहीं हूं, अगर कोई बुलाता है तो ही जाता हूं। ये कोई बात, ये मेरा एक शौक है, मेरी एक हॉबी है, कि जी मैं इस चीज को चैलेंज के तौर पे लेता हूं कि क्लासिकल क्लासिकल आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ ख्याल ही गाएंगे, ये फिल्म वालों का भी सोचना है। लेकिन मैं उस चीज को, मैं तोड़ने की कोशिश की, मैंने एक हद तक तोड़ा भी, जी तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट होता है, हर चीज का हाँ जी, अच्छा लगता है। हिंदी फिल्म के गायकों में आपको कौन सबसे ज्यादा शास्त्रीय तौर पे तैयार लगा, आज के या पुराने, कोई भी अगर नाम आके जहन में आता हो? देखिए, मैं आपको कई आर्टिस्टों का नाम बताऊंगा। एक तो जेंट्स में अगर बोलेंगे या लेडीज में बोलेंगे, तो लता जी, आशा दीदी और मन्ना काका जो क्लासिकल बेस पे बहुत गाते हैं, वो भी हमारे घर से सीखे, मेरे बड़े मामू के पास, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास। अच्छा हाँ, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि ये लोग क्लासिकल, किशोर जी वो शायद क्लासिकल सीखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने अच्छे कलाकार थे कि जिसकी सही में तारीफ करने लायक। और भी कलाकार, रफी साहब से हमारे जी जबरदस्त, तो ये ही सब लोग पुराने फिल्में, आज भी वो गाने अभी भी जिंदा हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात है कि आज भी वो गाने चल रहे हैं, आज भी हम सुनते हैं और आज भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल के गाने अच्छे नहीं लगते मुझे, अच्छा यही बात है। जी, थोड़ा हल्का सा सवाल मैं एक पूछना चाहूंगा। जी फरमाइए। अगर आप प्लेबैक सिंगर होते हैं फुल टाइम, जी तो आपको क्या लगता है कि कौन से अभिनेता की शख्सियत को आप ज्यादा सूट करते हैं? जैसे किशोर कुमार हुए, देव साहब के साथ रहे, या मोहम्मद रफी साहब,
दिलीप कुमार के साथ रहे वगैरह, आपको क्या लगता है आपकी आवाज सबसे ज्यादा कहाँ पे फिट बैठती है? अब ये तो एक चीज है, ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है, मेरी आवाज किसके ऊपर सूट करेगी और किसके ऊपर सूट नहीं करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे मेरी आवाज ऐसी कि सबके ऊपर सूट करे, अच्छा मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। या अच्छा, वक्त के साथ कदम रखना आपकी आदत रही है? बिल्कुल होना चाहिए ऐसे ही, और इसका एकदम ऐसे ही होना चाहिए जी। इसका एक नतीजा शायद ये भी हो सकता है कि शास्त्रीय संगीत की जो सख्त या कठोर परंपरा है उसको थोड़ा बहुत मोड़ना या तोड़ना पड़े। तो ये आप कैसे? नहीं नहीं, मैं कुछ इशारा कुछ और है मेरा, उसकी गरिमा तो जो है वो वही है, लेकिन आम लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि थोड़ा सा हल्का हो, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? नहीं ये तो देखिए, मेरा मेरा काम एक ही है कि शास्त्रीय संगीत पॉपुलर हो। क्या होता है कि लोग बाग अरे क्या करते हैं यार, ये क्या है, ये हंसते हैं, बहुत से लोग हंसते होंगे, हंसते भी हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा ऐसी एक ही कहना कि मैं किसी भी जरिए से मैं घुसूंगा पहले, फिर क्लासिकल अब नाक में यूं पकड़ लूं या घुमा के पकड़ लूं, जी बात यह है। तो एक चीज क्या है कि पहले चलो कुछ फिल्म का गाना हो चाहे कुछ भी लाइट म्यूजिक जो भी, उसको गा के उसके बाद क्लासिकल गा लो, फिर वही लोग सुनने बैठते, वही लोग सुनते हैं। आज भी मैंने जो फिल्म का गाना आओगे जब तुम गाया है, अब उस गाने की वजह से कितने लोग क्लासिकल सुनने आते हैं, बिल्कुल ये एक देखने वाली बात है। तो भीड़ लग जाती है, क्लासिकल भी सुनेंगे, वो आओगे जब जरूर सुनेंगे, उसके उसमें आते हैं तो उनको क्लासिकल सुनने को अच्छा मिलता है, तो वो आज भी लोग एक क्लासिकल की जो पॉपुलर हो रहा है क्लासिकल, जी जी तो ये चीज अपने आप में मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं चलो इस जरिए से भी मैं अपने संगीत को आगे ले जा सकता हूँ, जबकि चीज संगीत से वही सब शास्त्रीय संगीत से ही सब निकली हुई है जी। भाई, बिना राग के बिना रागनी के आप कंपोज तो नहीं कर पाओगे कोई भी गीत फिल्म का। तो यही मैं सोचता हूँ, तो मैं भाई यही सोचता हूँ चलो इन लोगों को इस तरह से लेके इसमें लाओ, जी ये मैं सोचता हूँ हमेशा। हाँ, मेरी यही मुराद थी जब मैं पूछ रहा था आपको कि कठोर परंपरा से हटके। हाँ जो आपने बताया बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। मुझे एक बात बताइए, पाश्चात्य संगीत के वाद्यों में या गायकी में आपको दिलचस्पी रही है कभी? वाद्य में मैं तबला, मुझे बहुत शौक रहा। अच्छा मैं तबला अच्छा बजा लेता था, अच्छा अभी भी कोशिश करता हूँ, खुद गाता था खुद तबला बजाता था, तो ये मेरा है, ये भी मेरा एक अच्छा, क्योंकि उससे क्या होता है कि लय पक्की होती है। तो हाँ खुद तबला सीखो, तबला बजाओ, तबला बजा के एक बंदिश गाओ, उसमें तान सरगम करो, तो एक लय का अंदाज मिलता है उसमें। अच्छा बाकी सितार सरोद के ऊपर मेरा, हारमोनियम के ऊपर व सरंगी के ऊपर मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बजाओ सब मेरे साथ वो अच्छा है, लेकिन तबले के ऊपर ज्यादा मेरा ध्यान था। अच्छा, और वेस्टर्न में कोई किसी चीज पे दिलचस्पी है आपको? वेस्टर्न में मुझे गिटार बहुत पसंद है, अच्छा चेलो पसंद है। अच्छा अच्छा तो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट की ओर आपका रुझान है ना कि गायकी? नहीं, गायकी में भी बहुत रुझान है, गायकी भी मुझे पसंद है। अच्छा वेस्टर्न गायकी बिल्कुल। अच्छा एक चौमुखा आर्टिस्ट होने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा मुझे एक और बात जाननी थी कि जब आप भारत में परफॉर्म करते हैं और जब विदेशों में परफॉर्म करते हैं, तो दोनों में ऑडियंस के रिस्पांस में किस तरह का फर्क आप पाते हैं, खासकर जब ऑडियंस विदेशों में कुछ विदेशी भी होते हैं, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए एक चीज मुझे जो देखने को मिली जैसे पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, कि मैं प्रोग्राम खत्म करके नीचे ग्रीन रूम में चला गया, स्विट्जरलैंड की बात है, जिनेवा जी, तो लोग, मैं चला गया मैं ग्रीन रूम में, तो इतने क्लाइपिंग खड़े होके क्लाइपिंग करे जा रहे हैं, वंस वो, अब मुझे तो पता नहीं नीचे आप लोग आ गए क्या, आपको और भी सुनाने के लिए वो लोग कोई जा ही नहीं रहे जी। तो मुझे भी, मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं फिर जाऊं, क्योंकि ये लोग इतना चाहते हैं संगीत को, तो मैंने इसलिए यही सोचा नहीं मुझे जाना चाहिए। फिर मैं जाके शुरू हुआ तो वो लोग क्या खुश क्या जवाब नहीं। अच्छा। और इतने अच्छे सुनने वाले, पेरिस में भी मैंने देखा और ये स्विट्जरलैंड में भी मैंने देखा, जर्मनी में भी मैं गया, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी लास्ट 4-5 साल पहले मैं गया था, तो बहुत तादाद में लोग आए, बहुत
सुनने वाले अच्छे सुनने वाले विदेशों में, ऐसा नहीं है कि अच्छे सुनने वाले नहीं है, बहुत जबरदस्त सुनने वाले हैं। अमेरिका में कितने अच्छे सुनते हैं। जी एक दौर था कि इंस्ट्रूमेंट का दौर चलता था ज्यादा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप वगैरह में। उसके बाद हम लोग जब गए तो काफी उस चीज में सुधार लाया, गाके भी हमने अमेरिका में भी बहुत वोकल के बहुत दीवाने हुए लोग। जी जी नहीं तो एक टाइम था कि रविशंकर जी, जबकि उन्होंने ही वहां संगीत पहुंचाया, अली अकबर खान साहब रविशंकर जी ने उस चीज को वहां आगे बढ़ाया, वो जगह बनाई। जी तो जी, आज यही है कि हम तो ये सोचते जैसे भारत में गा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतने अच्छे सुनने वाले हैं, ये बड़ी बात मजा आता है, ये बड़ी बात मजा आता है गाने। बिल्कुल जी जी खान साहब, आखिरी दो सवाल मैं करूंगा। एक तो ये कि सियासती फिजा का संगीत पर असर होता है, और अगर होता है तो आप उसे कैसे निपटते हैं, क्योंकि भारत में आजकल सियासती फिजा को लेकर लोगों में काफी चिंता है, जो भी हो, कोई भी पार्टी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो माहौल खड़ा हो गया है जी। कि हर बात में लोग घृणा पे उतर आते हैं तुरंत ही, तो उसका आपके हिसाब से आपकी संगीत पे कभी असर होता है? संगीत ही तो ऐसी चीज है जिससे कोई घृणा नहीं करता, और संगीत सबको एक जोड़ के रखता है, ये सबसे बड़ी बात यही है कि जितनी भी पॉलिटिक्स हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, हमारा सबसे ही मिलना जुलना है, सबसे ही जान पहचान है, और सबके लिए गाते हैं संगीत, वो लोग भी सुनते हैं। वो लोग तो ऐसा नहीं है कि संगीत के बिना कोई रह नहीं सकते। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हर मंत्री नेता जो भी होंगे सभी लोग सुनते हैं, जो सुनकार हैं और जो संगीत को समझते हैं। तो संगीत तो सबको मिलाना सिखाता है, संगीत से क्या लेना देना पॉलिटिक्स का, जी जी यही चीज है। तो हम लोग अपने सुरों में रहते हैं तो उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता, हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो हमारे श्रोता आते हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी शांत होकर सुनने आते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। और यही सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूंगा दुनिया को, संगीत ही सबको, संगीत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबको प्यार देता है, सबको मिलाता है। जी जी नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए खास कर किया कि मैंने पढ़ा था हाल ही में कहीं, कभी आप शायद राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कर्ता धर्ता को मिलने गए थे, मोहन भागवत जी को। हाँ, उन्होंने मुझे दावत दी थी, मेरे घर में भी दो बार आ चुके। अच्छा, तो, उसको उसको लेके कई लोगों ने कुछ, हाँ जी 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 वो तो खैर होता ही है, ऐसी ये चलता ही रहता है, लेकिन अब मेरा काम ऐसा है कि मैं सबके लिए हूँ। जी, संगीत सब सुनते हैं। अब मोहन अंकल मेरे घर में दो बार आए, उन्होंने मुझे नागपुर बुलाया, मैं नागपुर गया, मेरी बड़ी सेवा की उन लोगों ने, बहुत अच्छा, और वो अच्छे संगीत, खुद भी अच्छा संगीत जानते हैं वो। तो ये चीज है कि अब जो संगीत का प्रेमी है तो मैं उसको, वो क्या पार्टी है क्या है मैं उसको नहीं जानता। मैं एक संगीतकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, तो मुझे सबके लिए हमेशा, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जी, सीधी जी, बात है, मुझे सब प्यार करते हैं, सब प्यार देते हैं, तो इसलिए मैं सबके लिए हूँ। जी, जाते जाते खान साहब मैं एक आखिरी गुस्ताखी करना चाहूंगा। मैंने मेरे मेरे 40 साल के प्रोफेशन में कभी किसी को ये कहा नहीं, मैं आपको कहूंगा, किसी आर्टिस्ट को ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दो लाइनें सुनाइए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि जब लोगों को पता चला मैं आपसे इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो कई लोगों ने कहा सिर्फ हमको दो लाइनें याद पिया किया, अगर आप गुनगुना दें तो मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा 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 मैं माफ करिएगा, मैं वाकई, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे एक सेकंड को थोड़ा सा तानपुरा ले लूं। अरे हाउ नाइस, थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा तानपुरा ले लेता हूं। जी जी कोई बात नहीं, आराम से। अरे वाह वाह, जी जी
मैं थोड़ा तानपुरा मिला के अभी गाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आपने इतनी जहमत। अरे अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, जब आपने इतना सपने सबकी सुननी पड़ेगी मुझे। नहीं आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं, किसी आर्टिस्ट को ये नहीं कहा कि आप मुझे गा के सुनाइए, ये बात सही नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आप कोशिश करिए, मैंने कहा ठीक है कोशिश करता हूँ, वो डांटेंगे तो डांट खा लूंगा मैं। अरे नहीं दीदी मैं याद पिया के आए ये दुख सहन जाए याद पिया के आए याद पिया के आए। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, ये बस मैं तो धन्य हो गया आज। अब मैं काम छोड़ दूंगा, ये हो गया मेरा तो। अरे अरे ठीक है, शुक्रिया आप सबका। खान साहब इट्स सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, बड़ी मेहरबानी आपने वक्त निकाला मेरे लिए, और अमेरिका कभी शिकागो आइए तो मुझे बताइएगा, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। जरूर जरूर।